कलश के नीचे चावल दे देंगे। सामने केला पत्ता देंगे। तीन ठो दिया जलाएंगे। देवान सावित्री को हल्दी में स्नान कराएंगे। देखिए हल्दी। इसके बाद स्थापना करेंगे। चूड़ी सात व्रत उनके बगल में रख देंगे। कलश के लिए दिया जलाएंगे, एक यम के लिए, एक सत्यवान सावित्री के लिए। यम का दिया को सरसों का तेल में जलाएंगे, अलग से रखेंगे। चंदन तिलक लगा, नया कपड़ा सत्यवान सावित्री के पास रख। सात जगह में फल निकालेंगे और कलशा का पत्ता का दोना बनाएंगे। सात या पांच जगह में प्रसाद निकालेंगे। ये प्रसाद यम के लिए। यम को काला कपड़ा दान करें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें यमराज को अपने परिवार के लिए। बट वृक्ष में सात बार परिक्रमा करेंगे। बट वृक्ष में नया कपड़ा और एक चूड़ी बांध देंगे और अपने सुहाग के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। बट वृक्ष में इसलिए चूड़ी और नया कपड़ा बांधते हैं क्योंकि हमारे परिवार के रक्षा करते हैं और हमारे सुहाग के रक्षा करते हैं। देखिए फूल दूबी बेल पत्ता चढ़ा। ब्राह्मण को बड़ शिवरात्रि के दिन अन्न दान देना बहुत अच्छा है। दाल चावल पैसा कपड़ा जरूर दीजिए। और साथ साथ चूड़ी है, साथ सुहागन को प्रसाद के साथ देना चाहिए।
और ये डोरी को व्रत बोलते हैं, इसको हाथ में बांधना जरूरी है। सात सुहागन को बांध देंगे। देखिए सत्यवान सावित्री को पीला कपड़ा में ढक दें। यम का प्रसाद को अगर घर में भैंसा या भैंस है तो खिला देंगे, नहीं तो ठंडा कर देंगे। घर में कोई नहीं खाएंगे यम का प्रसाद को, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। ये अन्नदान ब्राह्मण को जरूर देंगे। सात प्रकार के प्रसाद सुहागिन को बांट देंगे, चूड़ी, व्रत और फल। मेरी पूजा का विधि अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। यमराज के लिए दिया जरूर जलाएंगे, याद रहे सरसों का तेल का दिया जलाएंगे और ठंडा कर देंगे उनका प्रसाद और काला कपड़ा को।